गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारे चैप्टर के अंदर या हमारे सेमेस्टर के अंदर हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्यों दिया गया। तो आइए हम सब पढ़ते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो पहले सब उसके बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, चलिए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डेटा, एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो कि हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो भी डेटा है, हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम उसको जो भी स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कितने हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हमारा टैली, ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर है। कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर को हम लोग देख पाते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर पाते और उसको हम लोग फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो इतना भी याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर की दो डेफिनेशन होगी। पहली होगी कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस है, हमारे जो भी डेटा है, वो डेटा को एक इलेक्ट्रॉनिकली उसको जो स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की दूसरी डेफिनेशन ये है कि यू कैन वॉच बट नॉट टच। मतलब कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल है उसमें है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हमारा टैली जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स है, तो दो प्रकार के टाइप सॉफ्टवेयर है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, तो जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच का जो कनेक्टिविटी है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द यूटिलिटीज दैट एनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली कंट्रोल्स द हार्डवेयर सो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म एनी एक्शन और टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो भी यूटिलिटीज है, उसके अंदर जो भी फंक्शंस है, वो उसको कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेस करता है किसके थ्रू, तो कि फंक्शन के थ्रू। तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, तो कि जो भी उसका यूटिलिटीज है, जो भी उसका फंक्शंस है, उसको कंप्यूटर एक्सेस करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली कंट्रोल्स द हार्डवेयर। एक्चुअली जो हम लोग देखें तो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। सो डैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म एनी एक्शन और टास्क। और उसके साथ ही वो ये भी उसको कंट्रोल करता है कि हमारे पास जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसका परफॉर्मिंग क्या है, उसको कौन सा टास्क करना है, उसका डिसाइड भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। उसके एग्जांपल देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें पता है विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10, अभी तो मार्केट के अंदर विंडोज 11 भी आया है। उसके बाद है हमारा कंपाइलर, लोडर, लिंकर, इंटरप्रिटर एंड एक्सेट्रा।
टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कितने प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? तो कि हमें यहाँ पे चार दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है यूटिलिटीज, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर्स और चौथा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो हमारे जो कंप्यूटर में इंस्टॉल रहती है, हम जिसके ऊपर वर्क करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो हमारा जो भी पूरा हार्डवेयर है, हमारा पूरा जो भी सॉफ्टवेयर है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? तो कि उसको कंट्रोल करती है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हम विंडोज़ के अंदर आप कोई भी चीज़ डालो, कोई भी सॉफ्टवेयर डालो, तो उसके लिए वो परमिशन मांगेगा और हम वहाँ पे यस भी करते हैं। अभी लोडर क्या है? तो मान के चलिए कि हमने अभी विंडोज़ का क्रैक वर्जन डाल लिया सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अभी लोडर क्या है? तो कि ये जो क्रैक वर्जन डाला है उसको लाइसेंस सॉफ्टवेयर करने के लिए लोडर का यूज़ करते हैं। मतलब वो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर, जब हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो सॉफ्टवेयर हमारा जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है तो वो क्रैक वर्जन होता है, तो उसको हमें क्रैक वर्जन में से लाइसेंस वर्जन करना है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई लोडर यूज़ करो, हो जाएगा। तो लोडर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके उसको प्रॉपरली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन का वो काम करता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स दैट डू रियल वर्क फॉर यूज़र। हम सबको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम है कि जो रियल लाइफ के अंदर, रियल वर्क के अंदर एक यूज़र के साथ उसका इंटीग्रेटेड रहता है। जैसे कि पेरोल सिस्टम्स, इन्वेंटरी कंट्रोल, मैनेज स्टूडेंट डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब क्या है? क्योंकि तो ये सारे जो भी सॉफ्टवेयर है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सब सॉफ्टवेयर हमारे साथ रियल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे हमारे साथ ये वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब हम सीखने वाले हैं। पहला है कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरी है। तो सबसे पहले है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया, होम, पर्सनल और एजुकेशन और कम्युनिकेशन। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या है? तो कि हमारा कोई धंधा चल रहा है, हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, तो हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे बिजनेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद आएगा ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया। तो एक स्टूडेंट है, एक छात्रा है कि जिसको कोई ग्राफिक का कोर्स करना हो या कोई मल्टीमीडिया का कोर्स करना हो, तो वो कोर्स के लिए उसको कोई ना कोई ग्राफिक का सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा या किसी ना किसी ग्राफ मल्टीमीडिया का उसको कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। तो वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं ग्राफिक और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। इसके बाद होम, पर्सनल और एजुकेशन, जैसे कि हमारी RNWIET की ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आज आप लोग स्टडी कर रहे हो अपने घर पे बैठ के। तो बेसिकली हमारी जो RNW की वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसको हम बोलेंगे एजुकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? तो कि उसके अंदर हम सब लोग ज्वाइन होते हैं या आपको ज्वाइन किया जाता है, उसके बाद आपको अपना बैच असाइन किया जाता है। बैच असाइन करने के बाद आपको उसके अंदर टाइम टेबल भी दिया जाता है, और टाइम टेबल दिया जाने के बाद जो आपके लेक्चरर है, जो आपके प्रोफेसर है, वो क्या करेंगे तो कि वो अपने वीडियो बना के आपके साथ उसके थ्रू क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और आप उसको घर पे बैठ के पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह किसी के साथ बात करनी है, किसी के साथ हमें
कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग करना है और उसके लिए हम लोग जो भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप है, जूम है, गूगल मीट है, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कितने प्रकार की है, तो उसके अंदर है प्रोप्राइटरी, इन हाउस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्फ एंड कस्टमाइज्ड पैकेज। अभी प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है कि जिसका ऑनर मैं हूँ, जिसका ऑनर ऑनर हम हैं, उसको बोलेंगे प्रोप्राइटरी। इन हाउस मतलब जो हमारे यहाँ पे बनती है उसको बोलेंगे इन हाउस। कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे कि जो थर्ड पार्टी के साथ, जो थर्ड पार्टी के पास से हम लोग परचेस करते हैं उसको। और कस्टमाइज्ड पैकेज मतलब हमें हमारे आइडिया के हिसाब से, हमें हमारे थॉट के हिसाब से जो भी एप्लीकेशन बनाना है वो एप्लीकेशन को हम लोग बोलेंगे कस्टमाइज्ड पैकेज। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, उसमें है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, ओपन सोर्स, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर क्या है, तो कि हमें बल्क के अंदर जो भी एप्लीकेशन मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर जैसे हमने बात करी कि मेरी कोई आइडिया है या मेरा कोई थॉट है, उसके हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा उसको हम लोग बोलेंगे कस्टम सॉफ्टवेयर। वेब एप्लीकेशन मतलब हमारे, हमें जो वेब मतलब कोई वेब ब्राउज़र के अंदर हम लोग जो एप्लीकेशन को देखते हैं उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ओपन सोर्स जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है, जिसका हमें लाइसेंस वर्जन फ्री में इजीली मिल जाता है उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। शेयरवेयर मतलब हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर का मतलब होता है जिसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना है, किसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं देना है, या उसके लिए हमें कोई जो हमें इंटरनेट से इजीली मिल जाता है उसको बोलते हैं फ्रीवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर मतलब किसी ना किसी पब्लिक डोमेन के थ्रू उसको हम लोग एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक्चुअली द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू मेक यूजर मोर कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव टू असिस्ट पर्सनल टास्क। कि जो यूज़र होता है वो यूज़र के लिए पर्सनल टास्क के लिए एक कंफर्टेबल, जो यूज़र को कंफर्टेबल आए ऐसा ही हम लोग एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं कि जो हमारा यूज़र उसको यूज़ करेगा वो उसको इजीली यूज़ कर सके। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर हार्ड डिस्क, हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क के अंदर जिसको प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड ऑन सीडीज, डीवीडीज एंड फ्लैश और किचन स्टोरेज डिवाइस। यहाँ से हम लोग जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर में, आज के लिए इतना ही है। आज आपको एक मेरी ओर से असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट आपको अभी 10 से 15 मिनट के अंदर आई थिंक आपको ग्रुप के अंदर शेयर आउट कर ही दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो आपको अभी ये जो 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, वो 5 क्वेश्चन आपको अभी 10 से 15 मिनट के अंदर असाइनमेंट, हमारे जो RNW की एप्लीकेशन है उसके अंदर असाइनमेंट पोर्टल पे जाके वहाँ पे आपको इसको सबमिट करना है। अगर आपको इसको सबमिट करेंगे तभी आपकी आज की मेरे लेक्चर की प्रेजेंट गिनी जाएगी, अनदरवाइज आपका एब्सेंट रहेगा। और हाँ, एक और चीज़ हमारे ग्रुप में मैसेज में भी आया है कि भाई अगर हमें सेमेस्टर पास आउट करना है तो मिनिमम अटेंडेंस 75% है, तो प्लीज़ आज ये अभी ये जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट अभी 10 से 15 मिनट के अंदर आप मेरे साथ शेयर करिएगा। हमारे RNWIT की जो वेबसाइट है उसमें आपको पता ही है कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर्स के अंदर, वहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।